News 18, India. और बड़ी खबर आ रही रांची से। रांची से थोड़ी देर में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैदराबाद रवाना होंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, तो सर्किट हाउस में इनको रखा गया है और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो इनकी वापसी होगी। हैदराबाद रवाना होंगे सत्ताधारी गठबंधन के विधायक, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है और चंपई सोरेन का राज तिलक होने वाला है और उसके बाद ये हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। देखिए, जानकारी यही मिल पा रही है कि बस से, यानी कि सर्किट हाउस से बस से इन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, वहां से चार्टर्ड प्लेन से इन्हें हैदराबाद रवाना किया जाएगा। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा यानी 5 फरवरी को ये वापस लौट कर आएंगे। हालांकि कल देर रात भी यही खबरें मिल रही थी कि चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ये तमाम विधायक जाएंगे, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सर्किट हाउस में तमाम विधायक मौजूद हैं, फ्लोर टेस्ट होना है उससे पहले, क्योंकि 10 दिन का वक्त जो है राज्यपाल की तरफ से दिया गया है कि आप बताइए कि आपके पास कितने विधायक हैं। हालांकि देखिए, चंपई सोरेन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 43 विधायक हमारे साथ हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर सर्किट हाउस से उन्हें चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद रवाना किया जाएगा तमाम विधायकों को। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंद्रमोहन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, पहला सवाल तो मेरा ये है कि शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई अभी तक आपके पास और जानकारी आ पाई है, कितने बजे हो सकता है? और दूसरा ये कि हैदराबाद विधायकों को भेजने का क्या मतलब है, टूट का क्या डर लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 12:15 बजे के करीब शपथ ग्रहण का वक्त हो सकता है, जब तमाम जो चंपई सोरेन हैं वो अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीबू सोरेन का घर है और इस घर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं जो नए मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री झारखंड के होने जा रहे हैं चंपई सोरेन, वो यहाँ पर, और अभी अंदर सीबू सोरेन बैठे हुए हैं और उन्हीं से मुलाकात चल रही है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये माना जाता है कि झारखंड में सरकार किसी की हो लेकिन राजनीतिक जो है वो पकड़ और साथ में सत्ता हो या विपक्ष में हो, हमेशा इनकी मजबूती रही है और इसी को लेकर कोई भी सरकार बनती है तो इनके पास लोग ज़रूर आते हैं और आज जेएमएम के संस्थापक भी हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी पहुँचे हैं चंपई सोरेन, उनसे मिलने के लिए अपने गुरु जी से, जो सत्ता के गुरु भी माने जाते हैं झारखंड के, और ऐसे में अभी चंपई सोरेन से उनकी मुलाकात हो रही है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि आज जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद तमाम विधायक जो सर्किट हाउस में मौजूद हैं वो यहां से फिर हैदराबाद के लिए जाएंगे। ये तैयारियां कल से ही चल रही थी, अगर राजभवन से वक्त नहीं मिलता तो भी विधायक कल जाने के लिए तैयार थे और जैसे ही वहां पर कल चंपई सोरेन गए थे मिलने के लिए अपने 5 गठबंधन दलों के विधायक के साथ, उसके बाद से ये तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे थे एयरपोर्ट, लेकिन विजिबिलिटी सोरेन से मिलने पहुंचे हैं क्योंकि शिबू सोरेन की ही विरासत को आगे बढ़ाएंगे। दो मेरे अहम सवाल हैं आपसे कि चंपई सोरेन वफादार है तो रिमोट कंट्रोल शिबू सोरेन के पास जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ओबीसी वर्ग से ज्यादा हिस्सेदारी की मांग की है, ये टेढ़ा रास्ता होने वाला है नई सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विरासत की बात है, जेएमएम के संस्थापक नेताओं में से हैं शिबू सोरेन और ऐसे में उनके बेटा जब मुख्यमंत्री थे वो जेल चले गए, तो अब जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होने जा रहे हैं वो उन्हीं के विरासत को संभालने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है शिबू सोरेन की दखल और इस परिवार की दखल, हेमंत सोरेन की दखल सरकार में हमेशा रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसको लेकर कई सवाले खड़े होने लगे हैं। और जिस तरह से अभी जो बातें सामने आई हैं कि ओबीसी कोटे से सबसे अधिक होना चाहिए, तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे लेफ्ट के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो पुराने मंत्रिमंडल में मंत्री थे उनको दोहराया नहीं जाना चाहिए, अगर वो दोहराए जाएंगे तो फिर उनका विरोध करेंगे, और अब नई बात सामने आ गई। तो ऐसे में भले ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने 12 बजे के बाद जाएंगे राजभवन, लेकिन सरकार चलाना उनके लिए कितना कठिन होगा, ये महज आज जो बयान आ रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी उससे पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले, देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और अब चंपई सोरेन जो हैं मिलने के लिए, शिबू सोरेन जिनको गुरुजी भी कहा जाता है उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं और अब यहाँ से वो निकलेंगे और फिर सर्किट हाउस पहुँचेंगे और सर्किट हाउस के बाद फिर
12 बजे के बाद फिर राजभवन पहुंचेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो तमाम विधायक हैं उनको हिलने नहीं दिया जा रहा है। सर्किट हाउस में एक तरह से कहा जाए तो 3 दिनों से उनको कैद करके रखा गया है। और अब 12 बजे के बाद चंपई सोरेन अपने तमाम विधायकों के साथ आज शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन क्या 11 महीने तक जो सरकार रहेगी अगली उनको सरकार चलाना उतना आसान होगा? क्योंकि चंपई सोरेन के सामने चुनौतियां बहुत हैं। एक तो जेएमएम को संभाल कर रखना, साथ ही गठबंधन के विधायकों को संभाल कर रखना। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगी उसके बाद एक बार फिर से जो तमाम विधायक अभी सर्किट हाउस में मौजूद हैं उनको हैदराबाद ले जाया जाएगा। और 5 तारीख का वो दिन हो सकता है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो विधानसभा में होना है वहाँ पर तमाम विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुँच सकते हैं। लेकिन उस दिन उनके साथ कितने विधायक मौजूद रहेंगे ये भी सबसे अहम बात होगी। बिल्कुल, देखिए चंद्रमोहन, जिस तरीके से तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है, टूट का डर क्यों यहाँ पर लग रहा है? क्या अभी कोई नाराजगी बीच में नजर आ रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से 10 दिन तक की मोहलत दी गई है राज्यपाल की तरफ से कि आप अपनी बहुमत साबित करें, और इस बीच जैसे जैसे नाम नज़दीक आ रहे थे, पहले कल्पना सोरेन का आ रहा था, फिर थोड़ी नाराज़गी भी सामने आई, लेकिन अब जो है चंपई सोरेन ही आगे मुख्यमंत्री होने वाले हैं क्योंकि विश्वसनीय चेहरा भी हैं, जेएमएम का भी हैं और करीबी भी हेमंत सोरेन के माने जाते हैं। क्या कोई डर यहाँ पर नज़र आ रहा है, टूट का डर नज़र आ रहा है? और जिस तरीके से आज ये भी कहा जा रहा है कुछ और विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, वो क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन हो सकते हैं वो? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के अलावा 2 और मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से आलमगीर आलम और साथ ही उनके साथ एक और मंत्री वहां पर शपथ ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे अहम बात वो ये है कि पहला दिन जब भी यह बात सामने आई थी कि हेमंत सोरेन को अगर किसी परिस्थितियों से कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है तो वैसे आलम में कौन मुख्यमंत्री होगा, तो सबसे पहले नाम कल्पना सोरेन का सामने आया था। लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से सीता सोरेन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो सीता सोरेन को क्यों नहीं। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को जो अपने सबसे खास और कैबिनेट में उनके 2 पदों के मंत्री चंपई सोरेन को आगे नाम उनका बढ़ाना पड़ा और उसके बाद फिर दावा पेश किया गया। और अब आगे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं और साथ ही जो पहले मंत्री रह चुके हैं और विधायक इनके साथ जो अभी मौजूद हैं वो साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि अगर पुराने लोगों को रिपीट करने की कोशिश की गई तो वो उनका विरोध करेंगे। तो ऐसे में अभी आगे संकट बहुत है, भले ही 12 बजे के बाद वो शपथ ले लें लेकिन कहीं ना कहीं आगे उनको सरकार चलाना उतना आसान नहीं होगा जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और जिस तरह की शर्तें सामने रखी जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से रखा जाए या फिर लेफ्ट की तरफ से रखा जाए, आरजेडी की तरफ से रखा जाए, ऐसे में चंपई सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि एक तो जेएमएम के सभी विधायकों को एक साथ समेट कर लेकर चलना, एक माले में गूंथ कर लेकर चलना, और साथ ही जो गठबंधन के विधायक हैं उनको भी एक साथ लेकर चलना। तो ऐसे में आगे चुनौतियां बहुत हैं और ऐसे में किस तरह से सरकार को आगे लेकर चलते हैं चंपई सोरेन ये भी सबसे अहम जरूर होगा। और अभी वो जो गुरुजी कहे जाते हैं, जब से बिहार और झारखंड का अलग बंटवारा हुआ था, चंद्रमोहन लौटेंगे आपके पास। लेकिन